हम में से काफी सारे लोग स्मार्टफोन खरीदते तो है, पर उसमें से सही स्मार्टफोन खरीदना एक उसके अंदर ही कला है। आप लोग मार्केट के अंदर चले जाओगे, रिटेल या फिर कोई शॉप के अंदर, वहां पर सिर्फ और सिर्फ वही स्मार्टफोन को आपको दिखा दिया जाएगा या फिर सेल करने के लिए यानी कि बाय करने के लिए फोर्स किया जाएगा जो उनके लिए ज्यादा फायदेमंद हो। आपके पैसे के भाड़ में वो लोग रहे प्रॉफिट में। देखो रिसेंटली रियलमी 10 स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। ये एक नंबर का जबरदस्त स्मार्टफोन है जिस प्राइस रेंज के हिसाब से उन्होंने मार्केट के अंदर लॉन्च किया है। वैसे ही एक्स का सक्सेसर स्मार्टफोन जल्दी हमको मार्केट के अंदर मिल सकता है, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ रियलमी 10 के सक्सेसर स्मार्टफोन रियलमी 11। आप लोग जबरदस्त स्मार्टफोन सिर्फ और सिर्फ 15,000 से 20,000 रुपए के अंदर उम्मीद लगाकर बैठ रहे हो और आपको जबरदस्त गेमिंग करना है और साथ ही साथ कैमरा क्वालिटी नेक्स्ट लेवल की हो, परफॉर्मेंस में कोई लैग शटर वगैरह देखने के लिए ना मिले और आप वीडियो स्ट्रीमर हो या फिर ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखना पसंद करते हो तो बैटरी परफॉर्मेंस आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो, तो आपके लिए ये वीडियो जरूर फायदेमंद हो सकता है। बात कर लेंगे इस स्मार्टफोन की कैमरा क्वालिटी से। बैक साइड में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दी जाएगी, जो प्राइमरी सेंसर होगा 108 मेगापिक्सल्स की होगी। यूजुअली सारे स्मार्टफोन में 8 मेगापिक्सल्स की दी जाएगी, पर इसके अंदर सेकेंडरी कैमरा सेंसर 48 मेगापिक्सल्स की हो सकती है और एक थर्ड सेंसर 8 मेगापिक्सल्स की दी जाएगी। रियलमी ऐसे ऐसे फीचर्स आपको दे रहा है जो रेडमी को भी शायद पीछे खदेड़ सकता है। सेल्फी में 32 मेगापिक्सल्स की सेल्फी स्नैपर दी जाएगी। सारे कैमरास के अंदर AI मोड दी जाएगी जो अलग अलग फिल्टर की मदद से आप जबरदस्त फोटोज निकाल सकते हो। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था लॉन्ग बैटरी पिकअप ये बहुत ही ज्यादा कंसर्न बन जाता है डे टू डे लाइफ के अंदर, क्योंकि हम लोग भारत निवासी है जो सवेरे हम लोग काम के लिए निकल गए तो बाहर तो लगभग रात को भी लौटना मुश्किल है। शायद इसी को ध्यान में देखते हुए रियलमी की स्मार्टफोन के अंदर 6000 mAh की बैटरी परफॉर्मेंस दी जाएगी और एक हायर रेंज के अंदर 6500 mAh की बैटरी परफॉर्मेंस हो सकती है। देखो इतना बड़ा बैटरी दिया जा रहा है तो स्क्रीन भी हम एक्सपेक्ट कर ही सकते कि थोड़ा बहुत बड़ा हो सकता है। कहा जा रहा है 6.8 inches की फुल HD+ सुपर AMOLED डिस्प्ले दी जाएगी। यूजुअल सी बात है अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। पंचुअल सेल्फी कैमरा होगी, जबरदस्त दिखने में लुकिंग वाइज काफी खूबसूरत होगा और मेटल एज डिजाइन शायद हमको हायर वेरियंट में देखने के लिए मिल सकता है। और अवेलेबिलिटी में काफी सारे वेरियंट है, पर उनमें से मेन दो वेरियंट निकल कर सामने आ रहे हैं, वो होगा 4GB RAM और 6GB RAM। 4GB RAM के ऊपर 64GB इंटरनल स्टोरेज, 6GB RAM के 128GB इंटरनल स्टोरेज। शायद हर एक वेरिएंट के अंदर अलग अलग एक्सपांड करने की सुविधा दी जाएगी, पर 6GB RAM वेरिएंट के अंदर 128GB अलग से माइक्रो एसडी कार्ड लगाने की सुविधा दी जा सकती है। डॉल्बी ऑडियो की सपोर्ट मिल जाएगी। काफी जबरदस्त स्मार्टफोन की स्पीकर ग्रिल होने वाली है, काफी लाउड से आपको एक्सपीरियंस दे सकता है। बैटरी परफॉर्मेंस तो काफी तगड़ा होने वाले, पर इसको चार्ज करने के लिए भी 67W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट स्मार्टफोन में दी जा सकती है। USB Type-C पोर्ट, 3.5mm ऑडियो जैक, सब कुछ स्मार्टफोन के अंदर दी जाएगी जो सेंसर वगैरह होनी चाहिए। तो आपकी क्या अभिप्राय होने वाली स्मार्टफोन को लेकर आप लोग मेरे को कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो। मैं मिलता हूं और एक वीडियो के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।